हाय कनाडा वीडियो, कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कलर पेंसिल से पोर्ट्रेट ड्रॉ करते समय रेफरेंस से कलर को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, या कलर पेंसिल से पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए सही कलर को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे चूज करते हैं रेफरेंस से, और बेसिकली मैं कलर्स को कैसे ऑब्जर्व करता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जब हम बिगनर होते हैं तो हमें कलर्स को ऑब्जर्व करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और ये बहुत इसेंशियल भी होता है, क्योंकि अगर हम सही कलर से पोर्ट्रेट को ड्रॉ नहीं करेंगे तो सेम टू सेम एज रेफरेंस नहीं लगेगा। और ये चीज़ आपको रातों रात नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर एबिलिटी आएगी कलर ऑब्जर्व करने का। और जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे और ढेर सारा पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो एक लेवल के बाद आप देख कर ही ऑब्जर्व कर लेंगे कि उसमें कौन कौन से कलर मिक्स हैं, कौन कौन से लेयर लगे हुए हैं, तो आप उस हिसाब से पोर्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन जब हम बिगनर होते हैं तो हमें ये चीज़ नहीं आती है, हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। और जैसा कि मैं खुद एक बिगनर हूँ तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है, पहले ज़्यादा होता था अब कम होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जितना भी कलर ऑब्जर्व कर सकते हैं उतना ऑब्जर्व करें, और उसे डायरेक्ट अप्लाई ना करें। पहले आप इस तरह से पेपर शीट पीस ऑफ पेपर का यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यूज करता हूँ। इसमें आप ढेर सा पहले कलर्स को प्रैक्टिस करें उसमें कि रेफरेंस की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसके बाद ही उसे अप्लाई करें। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, मैं भी इस तरह से ही करता हूँ। और लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो आप प्ले स्टोर पर बहुत ढेर सारे एप्लीकेशन पड़े हुए हैं कलर मिक्सिंग का, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली पिक्चर आर्ट का यूज़ करता हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरह से मैं यूज करता हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि मैं किस तरह से पिक्चर आर्ट ऐप का यूज़ करता हूँ राइट कलर को सिलेक्ट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कि कौन सा कलर बेस्ट होगा अपने कलर पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। और मैं इस ऐप को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी ऐप का यूज कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे कलर मिक्सिंग ऐप इस तरह से पड़े हुए हैं प्ले स्टोर पर, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। तो मैं मैक्सिमम इसी का यूज करता हूँ, इसलिए मैं इसी पर बता रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ड्रॉ ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉ ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको, जैसे मान लीजिए हमें इस एरिया पर, हमको मान लीजिए यहाँ पर कलर ऑब्जर्व करना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा कलर हमारे लिए बेस्ट होगा यहाँ पर। तो जानना है कौन कौन सा कलर यहाँ पर यूज हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर नाइफ ऊपर पे नाइफ का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है इस पर। और जहाँ पर जिस एरिया का कलर ऑब्जर्व करना है उस पर ले जाकर आपको छोड़ देना है इसे। मान लीजिए हमें यहाँ पर क्या करना था, तो हमने यहाँ पर ले जाकर इसे छोड़ दिया। और उसके बाद देखिए वो कलर यहाँ पर आ जाता है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, देखिए वो कलर यहाँ पर बन गया। सॉरी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट कलर है और ऑरेंज कलर है, मतलब वाइट और ऑरेंज मिक्स है, तो इस तरह से कलर बना है। तो आप इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आप अगर आप वाइट कलर और ऑरेंज कलर का यूज करेंगे तो आप इस तरह से कलर बना सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और चलिए दूसरे रेफरेंस का भी करके जान लेते हैं इसी तरह से। तो बैक कर लेते हैं, और मैंने एक और रेफरेंस खोल रखा है। तो मान लीजिए इस रेफरेंस का हम सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमें इस एरिया का ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर कौन सा कलर यूज है, ठीक है। तो आपको फिर से ड्रॉ ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पर कलर पर जाना है, इस नाइफ पर क्लिक करना है, और सॉरी जिस एरिया पर चाहिए, मान लीजिए हमें नोज पर, यहाँ पर सी हेड पर, इस बार जानना है यहाँ पर कि कौन कौन सा कलर यूज है, तो इस पर आपको ले जाकर छोड़ देना है। उसके बाद देखिए वो कलर यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर और हल्का ब्लैक वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। रेड कलर और हल्का ब्लैक एंड वाइट कलर को अगर मिक्स करेंगे तो इस तरह का कलर बन सकता है। तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्जर्व करके, और इसका यूज करने का ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मतलब ढेर सारा पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो ये एबिलिटी आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगा। तो उसमें आप देख कर ही ऑब्जर्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होता है, जैसे मुझे भी प्रॉब्लम होता है बहुत, कई बार प्रॉब्लम होता है, वैसे बहुत ज़्यादा होता था पहले लेकिन अब कम होता है, तो मैं इस ऐप का यूज कर लेता हूँ अगर मुझे प्रॉब्लम होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर अपने आप वो कलर बन गया, और कौन कौन सा कलर यूज है इसमें, ब्लैक एंड वाइट मतलब बिग कलर का है, और उसके साथ रेड कलर का यूज है। तो इन दोनों कलर को मिक्स करने के बाद एक कलर बन रहा है ऊपर, आप देख सकते हैं एक कलर, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, और मैं भी इसी तरह से यूज करता हूँ अगर मुझे प्रॉब्लम होता है। तो गाइस, आप इस तरह से राइट कलर को चूज करके अपना पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। और जब आप ढेर सा पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो आपके अंदर खुद एक एबिलिटी आ जाएगी कलर ऑब्जर्व करने की, तो आपको इस तरह के ऐप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आसानी से कर सकते हैं, देख कर ही आप ऑब्जर्व कर लेंगे। तो आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपको खुद ही खुद आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से कलर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट कलर को चूज कर सकते हैं अपने कलर पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए। तो इस तरह से आप कुछ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।